हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे दो बेस रेड कर रहे थे, जो बंदे अपने को मार रहे थे एंड उनके वजह से हम लोग काफी बढ़िया सामान लेके आए। बट जब हम लोगों ने उनका मेन बेस रेड किया तब अपने को पता चला भाई उन्होंने तो अपना लूट जो है ना वहाँ पे से ट्रांसफर कर लिया है। पर जब हम लोग वहाँ से अपने बेस की तरफ आ रहे थे तो अपने को यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्टोन का बेस दिखा। तो अपना प्लान था कि हम लोग इसको रेड मारेंगे, फिर हम लोग घर गए एंड हम लोगों ने ये हिरण बनाया था, लोहे वाला वो भी। तो हम अपना हिरण लेके आए एंड हम लोगों ने डिसाइड करा चलो इस बेस को रेड मारते हैं। एंड मैं अपने साथ लेके आया हूँ 30 ऑयल ड्रम्स, देखते हैं 30 ऑयल ड्रम से ये रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे अपना प्लान था कि इसको हम लोग ऊपर से रेड करेंगे, बट अपना टीममेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आने का ट्राई कर रहा था बट नहीं आ पाया। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड करा चलो अपन लोग ऐसे करते ना, नीचे से इसको रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मेन डोर किधर है? ओके, ये रहा। लगता है इसमें मेरे को चार से पाँच ऑयल ड्रम्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग हाई वॉल का जो डोर है ना उसे तोड़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि अंदर का क्या सीन है। फिर अपने को पता चलेगा नीचे से इसको रेड मारना है या फिर ऊपर से। अगर ऊपर से मारना होगा फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। एंड सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ अंदर का क्या सीन है। अगर अंदर आयरन का होगा तो भैया फिर तो अपने को बस एक ही चांस है कि हम लोग ऊपर से रेड मारेंगे। बट आज की वीडियो में गाइस हम लोग जो है ना यहाँ पे सिर्फ पहली बार जाने वाले हो इस सर्वर का बॉट बेस में, तो भाई मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। एंड देखते हैं यार इस सर्वर में बॉट बेस में अपने को कितना लूट मिलता है। तो यार जब तक हम लोग यहाँ पे इस बेस को चेकआउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने को इसको किधर से रेड मारना है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में आया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो यहाँ पे अपने को पता चला भाई इस बेस को जो है ना नीचे से रेड मारने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि नीचे से जो इसको डोर से ना वो आयरन के हैं, तो अपने को यार ऊपर से रेड मारना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे रैंप बनाया, बट ये रैंप जो है ना उस बेस से कनेक्ट हो गया, तो अपने को उसके बगल में एक और रैंप बनाना पड़ेगा जो कि तीन रैंप लगे रहेंगे जिसमें तभी अपन के डायनोज जो है ना अपने के जानवर जो है वो ऊपर चढ़ पाएंगे। चलो यहाँ पे मैं लगाने का ट्राई करता हूँ, मे बी यहाँ पे बन जाएगा। अपना टीममेट जंप मारने का ट्राई कर रहा है भाई, इस बार ही तो अपना टीममेट जैसे तैसे करके पहुँच ही गया। अब मुझे जाना है तो मैं फटाफट से अपना पेट वगैरह बुलाता हूँ एंड ऊपर जाने का ट्राई करूँगा। मतलब ये चीज़ तो देखा मैंने हिरन में ना गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब हम लोग ऐसे करके जंप लगाते हैं ना, कभी कभार लगता है ज़्यादातर नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसके दो तीन बार ट्राई किया नहीं चढ़ पाया, फिर जो है ना मैंने निकाला भैया अपना घोड़ा। मैंने कहा घोड़े में मेरे को 100% विश्वास है कि ये ईजिली ऊपर चले जाएगा। तो अपन लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं यार ये जा पाते हैं या नहीं जा पाता। ओके गाइस यहाँ पे हम लोग अपने घोड़े से पहले ही ट्राई में जो है ना इस बेस के छत में पहुँच गए। तो अभी ये रेड यार मैं नहीं मारूंगा, ये रेड जो है ना मैं अपने टीममेट को देता हूँ बॉम्ब रेड मारने के लिए। 30 ऑयल्टम्स है सारे के सारे जो है ना हम लोग अपने टीममेट को दे देते हैं। तो सबसे पहले अपने टीममेट ने बोला ऐसे करते ना यहाँ पे जो वुडन की सीलिंग है ना उसको तोड़ के देखते हैं, मे बी यहाँ पे से अपने को अंदर जाने का जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉम्ब लगाए और भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों ने लगाया एकदम सेंटर में, यहाँ पे तोड़ के देखते हैं अंदर का क्या सीन है। ओके भैया एक ही बार में इतने सारे बॉम्ब्स लग गए, ठीक है यहाँ पे आयरन का डोर है। अपना टीममेट गया अंदर, ओके वहाँ पे बॉक्सेस दिखे मेरे को, इधर तो कुछ है नहीं, नीचे से ऊपर आने का रास्ता है। एंड यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे करें चेक। ओके सो यहाँ पे गाइस लगता है इसका ना कैबिनेट रूम है, एक बार यहाँ पे चेकआउट करके देखता हूँ। ओके सो यहाँ पे अपने को दो बंदे सोए हुए दिखे, अपने को तो सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा बाहर। ऑलरेडी मैं लैडर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बना के लेके आया था अपने साथ क्योंकि मुझे पता था लैडर्स की यहाँ पे ज़रूरत तो पड़ेगा। तो मैं तो भाई ऊपर आ चुका हूँ, बस अपने टीममेट का वेट करना है। जैसे अपना टीममेट ऊपर आएगा ना फिर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे बॉम्ब। तो अपने टीममेट ने डिसाइड करा कि यहाँ पे लगाता हूँ, वो सोच रहे थे दो चार बॉम्ब बच जाएंगे अपने, बट ऐसा हुआ नहीं। बंदे ने वहाँ जगह का अपग्रेड करा हुआ था जहाँ पे जो है ना उसने पूरा सेक्शन अपग्रेड किया हुआ है, वो इलाका छोड़ा हुआ है जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम लोग समझ गए, अभी अपन लोगों ने डिसाइड करा एकदम सेंटर में लगाओ बॉम्ब एंड पूरा का पूरा सीलिंग ही उड़ा दो। ओके गाइस यहाँ पे अपने को बंदे दिख गए, दो देखो लेटे हुए हैं एंड ये है दिमागदार लौंडे।
बंदों ने फर्नेस में जो है ना लॉक लगाया हुआ है, एंड अपने को लूट फर्नेस से ही मिलने के चांसेस होते हैं, सो फर्नेस से तो भूल ही जाओ। अब बस जो है इनके बॉक्सेस में है, देखते हैं यार इसका कैबिनेट तोड़ के बॉक्सेस से अपने को कितना लूट मिलता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग रैंक में जब रेड मारते थे तो हम लोग सबसे पहले जो है ना फर्नेस चेकआउट करते थे कि फर्नेस में कुछ लूट है या नहीं है। बट अब जब से ये लॉक आया ना भाई, फर्नेस का भी सीमान खत्म, मतलब फर्नेस से भी आपको लूट तो मिलेगा ही। इवन आप कैबिनेट भी फोड़ दो ना तो फर्नेस से 20% लूट भी नहीं गिरता, ये गलत सीन है। चलो कोई नहीं यार, मैं यहाँ पे से ऊपर आया, मैंने अपने टीममेट से बोला फटाफट से कैबिनेट पर बॉम्ब लगाओ, मैं अंदर जाके देखता हूँ, एंड तुम यहाँ पे देखो कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। मैं यहाँ पे से जंप लगाया, सीधा चलता हूँ अंदर। ओके आया मैं, इधर तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे से मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। लैडर लगाता हूँ एंड यहाँ पे से मैं निकलता हूँ बाहर। ओके गाइस, यहाँ पे से मैं बाहर तो निकला। ओके मेरे को इधर जाना है, ठीक है भाई। बॉक्सेस में तो कुछ है ही नहीं यार, गलत स्कैम हो गया। मतलब यार अब तो रैंक में ना रेड मार के भी डर लगता है, मिलता ही नहीं कुछ अपने को लूट वगैरह, बट कोई नहीं। बॉम्ब बचा के अपने घर दौड़िए ना लेके जाने, लगाओ बॉम्ब एंकर के बजब बचे में। तो चलो कोई नहीं, कंपोनेंट्स वगैरह मिला है वो लेके चलते अपने घर, एंड उसके बाद अपने का प्लान है जाते हैं बॉड बेस, लूट के आते हैं इस बार ही देख के आएंगे। ओके थोड़ा सा मिला यार अपने को जीपी सल्फर एंड चारकोल, वो उठाऊंगा। ये स्टील की लैड स्टील की विंडो जो है ना वो छोड़ दूँ। अरे यार मैं ये लेके आ गया, वैसे इसको ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यार अभी वो जो उड़ने वाला घोड़ा है ना वो बनाने का ट्राई करता हूँ, करूँगा मैं ट्राई सर्वर में, देखते हैं बनता है या नहीं बनता। उसके लिए मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा जानवर पकड़ने पड़ेंगे, एंड उसके साथ साथ मेरे को टिकट्स भी काफ़ी लगेंगे, ट्रेड टिकट 4 से 5 तो लगेंगे, मतलब 4 से 5 इंजेक्शन हरे वाले, देखते हैं। चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने रेड मारा, इस बेस से अपने को कुछ खास मिला नहीं, तो उसके बाद हम लोग निकले बाहर यहाँ पे से, अपना पैट बुलाते हैं, घर पहुँचते हैं, और आई थिंक यहाँ पे अभी आ चुका होगा इजी म्यूटेंट, उसे भी देखना अपने को। तो मैंने यहाँ पे अपने में सिरिंज वगैरह लगाया, अपना घोड़ा बुलाता हूँ और निकलते हैं भाई। याला पैट बुलाऊंगा एक ही बार, फूड फुल करने में ना सीधा अपने घर। चलो खाना देता हूँ। ओके मेरे पास खाना वगैरह तो है, तो ठीक है इसका खाना फुल हो चुका है, तो चलिए चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ। तो ओके गाइज यहाँ पे हम लोग घर पहुँचे, एंड हमने अभी यहाँ पे इजी देखा, इजी था, तो मैंने प्लान किया चलो यार अपना एक टीममेट का जो है ना मैं सेफ वगैरह खुला देता हूँ, क्योंकि अपना सेफ तो पहले ही खुल गया था, क्योंकि जब हम लोगों ने पहला इजी मारा था ना वो मैंने मारा था, और अभी मेरे को अपने टीममेट का खुलाना है, एंड उसके बाद हमको एक दो टीममेट का और खुलवाना है। तो चलो ट्राई करते हैं, मैं शॉटगन के बुलेट्स लेके आया हूँ, फटाफट से उसको मारने का ट्राई करता हूँ। ओके अपना टीममेट की मार्क लगाए, मैं भी मारता हूँ। तो भाई काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ये इजी मरने वाला है, एंड मैं अपना शॉटगन रिलोड कर लेता हूँ, 2 HP बचा हुआ, तो वो तो अपने टीममेट को मारने दे, भाई मेरे को मारने आ रहा है। चलो कोई नहीं, अपना टीममेट इजीली मार देगा उसको। भाई मैंने बोला भाई थोड़ी सी हेल्थ बची हुई है, एआर से मार दे, तो अपने टीममेट ने बात की, एआर से मारना स्टार्ट किया। ओके गाइस यहाँ पे अपना टीममेट का यहाँ पे सेफ वगैरह ओपन हो चुका है, तो चलिए चलते हैं सीधा अपने बेस में, एंड उसके बाद थोड़ा सा यार मेरे को फार्मिंग भी करनी है, अपने पास ना बिल्कुल फार्म नहीं है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे गाड़ी वगैरह बनाया, एंड हेल्थ वगैरह करने लगा, शॉटगन के बुलेट्स उठाई, और फाइनली मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे से जो है ना चलते हैं फार्मिंग करने के लिए। बट यार यहाँ पे ड्रॉप आया हार्बर, लिटरली यार इतना दूर ना जाने का मन नहीं करता है ड्रॉप में, सही बता रहा हूँ मैं, हार्बर साइड कोई आता भी नहीं है। जैसे कि बाय जहाँ पे हम लोग है ना रॉकेट बेस में आए, उधर की साइड बायो में आए, तो वहाँ पे तक बंदे आते भी हैं बट यहाँ पे नहीं आते। बट यार इस बंदे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार अपने बेस की तरफ आ रहा है, लगता है यार इस बंदे का ना अपने को रेड मारने का प्लान है। तो मेरा गाड़ी यहाँ पे था, मैंने डोर खोला तो मेरे को यहाँ पे गाड़ी नहीं मिला, मैंने कहा यार लगता है गाड़ी गया कहाँ अपना। तो मैंने अपने टीममेट से बोला, तो अपना टीममेट बोला भाई लगता है कोई बंदा जो है ना अपना गाड़ी वगैरह फोड़ के चले गया। फिर क्या था यार मैं ऊपर पहुँचा, मैंने अपने के लिए गाड़ी वगैरह बनाई, एंड अभी गाड़ी बन चुका है, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा फार्म वगैरह करके आते हैं। बट ये फिर आ गया भाई, फिर आ गया, चल भाई निकल। तो भाई ये बंदा जो है ना दोबारा आया था अपने बेस के पास, 1000 फ्यूल लेके आया हूँ, एंड थोड़ा सा उठाता हूँ और निकलता हूँ। भाई ये अभी तक इन्होंने ना ये सही नहीं करा, ये बहुत गलत बात है, अपडेट दिया था 30 MB का बट अभी भी सही नहीं किया।
चलो मैं करता हूँ फटाफट से फार्म, देखते हैं यार आज हम लोग कितना फार्म करके आएंगे। मेरा प्लान है कम से कम 12K सल्फर एंड 20K आयरन करने का। लेट्स सी आज हम लोग कर पाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं लगाऊँ दबा दब शॉटगन से, एंड उसके बाद मैं एयरपोर्ट के पास पहुँचा। मैंने कहा यार देखता हूँ क्या पता हैली आ गया होगा इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम सर्वर स्टार्ट हुआ था तो हैली आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम लोग देख के आते हैं, अगर हैली होगा तो हैली लेके चलेंगे। ओके यार यहाँ पे हैली तो है, तो हैली में डालता हूँ मैं फ्यूल और निकलता हूँ लेके सीधा अपने बेस, एंड वहाँ से हम लोग उठाएंगे गन आर्मर और निकलेंगे सीधा बॉट बेस। तो भाई यहाँ पे फ्यूल वगैरह मैंने अपना गाड़ी से निकाला नहीं, और मुझे जो है ना जल्दी से जाना पड़ेगा अपने गाड़ी के पास। वहाँ से निकालेंगे हम लोग फ्यूल और तब चलेंगे हैली के पास। हैली उठा के सीधा अपने बेस में, गाड़ी को तो यहीं पर रहने दो। गाड़ी जो है ना अभी कबाड़ है अपडेट के बाद, जब तक अपडेट नहीं आएगा यार तब तक गाड़ी चला के तो कहीं भी मज़ा नहीं आएगा। वैसे ये मुझे पता नहीं गाइस ऐसा क्यों लगता है इस मैप के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा बंदों को ना नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पे टैंक ने मेरे साथ गलत स्कैम कर दिया। बट कोई टेंशन नहीं, मेरे पास पेस्ट मेकर है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, कवर में हूँ एंड ईजिली रिवाइव हो जाऊँगा। तो मेरा सोचना क्या है गाइस, अभी इस सर्वर में बंदे क्यों नहीं खेलते हैं? मैक्सिमम बंदों को तो पता नहीं है भाई इस सर्वर में किस तरीके से सर्वाइव करें, एंड जैसे यार इस सर्वर के बारे में बंदों को पता लगेगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है खेलेंगे बंदे। और मेरा प्लान वही है, एटलीस्ट हम लोग जैसे कि इंडियन बंदे होते हैं जिनको खेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार, लूट वगैरह नहीं मिलता, तो ये दिखाता हूँ मैं बॉट बेस, सब चीज़ बताऊँगा धीरे धीरे करके। अभी तक तो यार मेरे को भी कुछ समझने में टाइम लग रहा है बहुत। ओके भाई जैसे तैसे करके हम लोग हैली लेके यहाँ पे से निकले। ओके गाइस हैली जो है ना अपने को मिलता है पहले वाले वेयर हाउस में। अभी अपन लोग निकलते हैं सीधे यहाँ पे से बेस। ओके मैं यहाँ पे अपने बेस में पहुँच चुका हूँ, तो फटाफट से हम लोग AR एमओ काफ़ी ज़्यादा बैंडेजेस सिरिंज वगैरह लेके निकलते हैं सीधा बॉट बेस में। तो मैं आया और अभी सबसे पहले तो अपना लूट वगैरह है जो ना फर्नेस का फर्नेस में डालता हूँ। तो लगभग मैं 20,000 के करीब में मैं आयरन किया था, 12,000 के करीब मैं सल्फर था, तो थोड़ा सा मेरा टीममेट भी फार्म किया था एंड इसीलिए जो है ना अपन ने डाल दिया। अरे यार ये तो लार्ज फर्नेस पूरा का पूरा फुल है, थोड़ा सा एरिया होगा डाल देता हूँ कहीं। ये फर्नेस खाली है इसमें डालता हूँ ना, एक स्मॉल फर्नेस है उसमें भी लगा देंगे। तो गाइज अपना जितना भी फार्म था वो सारे का सारा फर्नेस में आ चुका है, बस 800 के करीब सल्फर बचा हुआ है एंड थोड़ा सा अपने पास स्टील, तो देखता हूँ। अरे ये पे जो स्टील है ना वो निकालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ सल्फर, एंड जितना मेरे पास स्टील है ना वो डालूंगा मैं इस वाले फर्नेस में। ओके सो यप गाइज रेडी हो गया अपना सामान एंड मैं भी लगभग रेडी हो चुका हूँ, चलते हैं पहली बार बॉट बेस करने के लिए, देखते हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या फिर कितना टाइम लगेगा। मुझे तो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैंने अभी तक यहाँ पे का बॉट बेस देखा भी नहीं है, तो मैंने लगभग 1000 फ्यूल डाल दिया है। भाई यहाँ पे से बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो 1000 फ्यूल तो लगेगा। तो चलिए ओके गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे ट्रायल आइसलैंड में पहुँच चुके हैं, एंड देखते हैं यार यहाँ पे का ट्रायल आइसलैंड हम लोग लूट पाएंगे। बट बैग लगाने के लिए ओके आई थिंक यहाँ पे लगेगा बैग, मैं यहाँ पे बैग वगैरह लगाता हूँ अपना, ठीक है, और देखते हैं अपन लोग कहाँ तक लूट पाएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसको समझने में लूटने में कम से कम मेरा 1.5 घंटा लगा है, एंड कहीं पे तो मैं कंफ्यूज हो गया एंड कहीं पे रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। तो चलो यार सबसे पहले हम लोग चलते हैं अंदर। भाई ये तो गलत ही सीन है, सबसे पहले तो इसको मारो, ठीक है ये मारा मैंने। तो भाई यहाँ पे से अपने को ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से कहाँ है? ओ भाई भाई गलत ही सीन है, यहाँ पे तो पूरे का पूरा स्पाइक्स लगा के रखी हुई है। किधर जाना है? इधर से अपन को उधर जाना है। हाँ ये क्या सीन है भाई, ये कौन सा बॉट बेस है ये तगड़ा तगड़ा? एक वहाँ पे लाइट लगी हुई है, पता नहीं क्या सीन है। तो ऐसे करते हैं हम लोग इधर से नहीं, अभी इधर से जाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे वो मेरे टीममेट ने मारा, थोड़ा सा फ्यूल है वो उठा लेता हूँ मैं, एंड चलो देख लेता हूँ कोई चकवा वाला तो नहीं है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, चलो चलते हैं। जब मार के उस तरफ चले, अभी हम लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हैं। और एक कुत्ता
कैमरा की मैं मार लेगा। यहाँ पे डोर है, दो डोर है, ऊपर करने का क्या सीन है? अबे कौन मार रहा है ये? चलो कोई नहीं, उसके बगल में ना प्रेशर प्लेट है। अच्छा प्रेशर प्लेट से तो खुलेगा ये वाला डोर, बट वहाँ पे भी डोर्स हैं। इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग ऊपर देख के आते हैं डोर बंद है या फिर ओपन है। ओपन होंगे तो तब अपन लोग उधर वाला देख लेंगे पहले करके। चलो जंप मारता हूँ यहाँ पे नीचे आने के। देखो क्या है भाई, समझ इधर भी भाई क्या है ये पार्कोर? डेंजरस पार्कोर है यार, दिमाग खराब हो जाएगा करते करते तो इसको। चलो ऐसे करते ना गाइस, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं जंप। ओके भाई ये क्या चीज़ है? चलो चल के देखता हूँ मैं पास में। ओके यह रहा बटन, ओपन करता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं जितने भी बटन होंगे ना हम लोग ऑन कर लेंगे। ओके ऑन हो गया वो, देख के आते हैं अभी कौन सा डोर ओपन हुआ है। इधर नहीं, अपने को इधर जाना है। मेरा टीममेट भी देखो कैसे बैठ बैठ के देख रहा है भाई। अभी देखो हम लोगों ने किया नहीं यार, पहले टाइम है भाई, दिमाग खराब हो रहा है इसको देखते हुए। चलो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं जंप। अरे भाई ये खुल गया, मैंने वो बटन ओपन किया ना तो ये डोर खुला। देखो यहाँ पे वाला, अभी ऊपर जंप मार के देखता हूँ ये वाला ओपन है। ओके सो ये भी ओपन हो गया। ठीक है गाइस मैं यहाँ पे आया एंड इसको ओपन, ये दबाने के बाद कौन सा गेट खुलेगा? भाई मैंने दबाया तो सही, अब मैं अपने, चलो ऐसे करते ना इधर जाते हैं, इधर वाले डोर में जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरे को जो है ना, मैं दोबारा से घूमने लगा, एक मेरे को बटन और मिला जो कि नीचे था। मैं अभी उधर ही हूँ ठीक है, तो यहाँ पे दो बटन है नीचे की साइड, दोनों के दोनों मैंने ओपन किए। मुझे लगा वो जो डोर्स जो है ना बगल में वो भी ओपन होंगे, बट ऐसा कोई सीन था नहीं। एंड अभी तक यार मैं इधर ही घूम रहा हूँ, मैंने कहा भाई किधर क्या करना है। तो उसके बाद यार हम लोग दोबारा से चढ़े, तो मैंने दो बटन खोल दिए उसके। ठीक है अब जब मैंने बटन खोला ना तो ये डोर जो है ना ये ओपन हो गया। देखो अभी चलते हैं हम लोग, दो बटन खोलने के बाद ये एक याला डोर ओपन हुआ। जब मारता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई ये डोर ओपन हो गया इधर आ जा। भाई बहुत ज़्यादा ना एकदम स्टडी पकड़ी है कपड़े में। नीचे आया, टकुआ वाला था, यहाँ पे एक फटका मारा मैं सीधा ऊपर। फिर उसको मारने के लिए हम लोग नीचे पहुँचे, उसको मारता हूँ सबसे पहले। ठीक है यार इसको मारा, यहाँ पे अपने को कुछ खास नहीं मिला। यहाँ पे भी अपने को कुछ ना बटन्स वगैरह मिले थे एंड हम लोग ने ओपन किए। फिर उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे, बाहर मस्ती काटने गए, क्योंकि अपने को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था भाई किस तरीके से कैसे लूटेंगे अपने को। चलो इसको ओपन करते हैं, पहले एक बटन ये रहा, लो भाई मैंने ये बटन भी ओपन कर दिया। तो ठीक है तो उसके बाद जो है ना गाइस यहाँ पे आपको ये देखो एक पलक दिख रहा होगा जिसमें हम लोग गोली मार के ना इसके नीचे है, गोली मार के यहाँ पे का डोर ओपन होगा। तो मेरे को तो पहले दिखा नहीं, एक पलक और ही है उसको बोलता हूँ F223 का है। अभी हम लोग जाते हैं नीचे एंड हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसके नीचे एक डोर है ना उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे अपने को गोली मारनी है। तो भाई वो तो हुआ नहीं, फिर हम लोग आ गए बाहर क्योंकि अपने को यहाँ पे पता नहीं था। तो मैंने अपने टीममेट से बोला ऐसे कर तू ये प्रेशर प्लेट खोल, ये डोर ओपन हो जाएगा। ओके पहला बॉक्स मिला यार अपने को, तो मैं ये बॉक्स लूट के आया। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ से निकला सीधा ऊपर के साइड, क्योंकि तो मैंने कहा यार अपने टीममेट को किया तू आएगा किस तरीके से। वैसे इस तरीके से तो हम लोग सोलो लूट नहीं पाएंगे, बट कोई ना कोई तरीका तो होगा सोलो लूटने का, तो देखना पड़ेगा यार अभी देख देख के समझ में आएगा। ओके यहाँ पे हम लोग पहुँचे, ये तो वही रास्ता है ना, इधर से हम लोग चलते इधर के साइड। अपना टीममेट ना यहाँ पे आने का काफ़ी ज़्यादा देर से ट्राई कर रहा था, बट वो जैसे ही डोर के पास आता तब तक डोर क्लोज हो जाता, वो डोर ना अपने टीममेट को बाहर फेंक देता। चल बैठा तू निकल यहाँ पे से, अभी तू नहीं आएगा। एक मेरे को वो मिला, ये ओपन नहीं हो रहा यार, कहाँ से करता ना। यहाँ पे हम लोग करते हैं जंप इधर के साइड। चलो सबसे पहले इनको मारो, अभी मुझे लगता है मेरे को ही समझने में इसको कम से कम तो लगी गई। तो मैंने इसको मारा, नहीं तो यार मैं सोच रहा हूँ अभी मैं पूरा ढंग से सीखूँ
तभी वीडियो बनाऊंगा, तभी मजा आएगा। ऐसे में तो यार मेरे को समझने में खूब टाइम लग रहा है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, डोर क्लोज है। इस डोर को खोलने के लिए डेफिनेटली अपने को स्विच मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके एक स्विच ये रहा, इसको ओपन करता हूँ। हुआ ओपन? हाँ इधर का डोर तो नहीं हुआ ओपन, ये हुआ ना। चलो अंदर चलते हैं। भाई ये क्या सीन है, इतने सारे स्विच है भाई, मैं स्विच ही देख के पागल हो गया इधर। ओ भाई चलो ओपन करता हूँ सारे स्विच। सारे स्विच ओपन कर देगा अपन। सारे स्विच, कोई स्विच छोड़ेगा नहीं, सारे ओपन करेगा। बट यार इनमें लाइट नहीं है, सब में लाइट आना चाहिए ना। कुछ में लाइट है कुछ में नहीं है। फिर उसके बाद यार हम लोग दोबारा से वापस आए एंड ये देखो स्विच है। पहले वाले डोर से आप लोग घुसोगे एंड यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगी, लूट रूम पे। देखो ठीक है रास्ता ढूंढ रहे हैं यार, अभी ढूंढने में ना बहुत मेहनत लग रही है, तो अपना टीममेट भी आ जाएगा। तो मैं अपने टीममेट को बोला यार यहाँ पे एक स्विच है बट इसको ओपन किस तरीके से करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं जंप मार रहा हूँ आ ही नहीं रहा है। तो उसने भी ट्राई किया एंड उससे जो है ना हो गया था, तो मैं समझ गया वहाँ पे जो स्विच है ना पीछे तो वो उस तरीके से खुलेगा। तो देखो अपना टीममेट बोल रहा है ये स्विच ओपन करना है अपने को, उसने कर दिया है बट अभी मेरे को नहीं पता। ओके तो ठीक है अपने टीममेट ने कर दिया ओपन, यहाँ पे का मैंने ऑलरेडी डोर ओपन करके रखा हुआ है। जब हम लोगों ने गाइस वो ओपन किया ना तो यहाँ पे देखो सारे के सारे डोर्स में ना लाइट आ गई होंगी, आई मीन सारे के सारे स्विचेस में। ओपन करता हूँ मैं यहाँ से। अरे आया नहीं, लाइट ही नहीं आई। अरे ये रहा ना, ओके हुआ ओपन, अब आई यहाँ पे लाइट। इसको भी करता और ये रहा, और ये भी ओपन करना है, ये ओपन है, ये भी है, सारे के सारे ओपन हो गए। तो भाई ये सारे के सारे तो ओपन हो चुके हैं, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है। मैंने इधर तो सारे स्विच ओपन कर दिए, ये नीचे जाने का रास्ता, ये क्या सीन है। चलो नीचे चल के देखते हैं। ओके एक स्विच यहाँ पे है, इसको ओपन करके देखता हूँ। अरे मैं तो पूरा नीचे आ गया देखो। ओके ये जगह स्विच जो है ना ये ऊपर से खुलेगा एंड अभी अपना टीममेट बोला ये तो ओपन हो नहीं रहा है, तो अपन लोग ऐसे करते हैं ना बाहर चलते हैं। बट जैसे मैं बाद में देखा भाई ये डोर अभी ओपन कब हुआ, आई थिंक मैंने सारे डोर्स ओपन कर दिए ना तो ये लोग ओपन हुआ। तो यहाँ पे एक स्विच है, इसको भी ओपन करता हूँ। तो ठीक है यार अपना टीममेट तो वहीं पे खड़ा है, वो समझ रहा है अभी, बट ये ओपन नहीं हो रहा है। ऊपर चल के देखते हैं क्या होगा। इधर तो मैंने लगभग सारा का सारा ओपन कर दिया ना। अपना टीममेट भी गया ऊपर, मैंने कहा भाई कर दिया मैंने ये ओपन। तो अपना टीममेट बोला अब यहाँ नहीं है, अब ऐसे करते हैं ना बाहर की तरफ चलते हैं, हमने सब चीज़ करके तो देख लिया है बट ये ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे एक गेट और है, इसको भी तरफ चलता हूँ, ओपन करने का ट्राई करता हूँ। भाई ये तो नहीं होगा, D2 ओपन। चलो मेरा टीममेट ने बोला भाई मेरे तरफ आओ, इधर आओ मेरे पीछे। तो मैंने कहा आता भाई आता। अपना टीममेट बोला अभी जो है ना अपने को चलना है इधर के साइड। अरे भाई आप लोगों ने एक चीज़ देखा, आज जब हम लोग अंदर गए थे ना इधर वाला डोर क्लोज था, अब खुल चुका है, आई थिंक मेरे को उधर ही जाना है। हाँ उधर ही जाना होगा क्योंकि जब हम लोगों ने वो चीज ओपन किया ना उधर वाला स्विच जो ऊपर था तब जाके यहाँ पे का स्विच ओपन हुआ। दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला स्विच। हाँ ये देखो अब इधर से अपने को जाना है इधर, इधर से इधर, ठीक है समझ गया। तो भाई यहाँ पे से मेरे को ना जंप मार के उधर जाना था एंड ऊपर एक बॉक्स होता है, इस स्विच को ओपन करने के बाद ऊपर वाला बॉक्स ओपन होता है। सो वहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे से नीचे उतरा एंड मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना ऑफ कर दिया एंड आगे का सीन यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आगे का सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट जितना भी गाइज अपने को लूट वगैरह मिला वो
अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पेस जाके दिखाऊंगा। ऐसे करते ना, निकलते हैं यहाँ पे से, बट ठीक है, नॉट बैड, ठीक ठाक लूट था। चलो इतना लूट है, देखो 1300 के करीब स्टील मिला, 2800 के करीब अपने को जीपी मिला। बट जब मेरे को सही से पता चलेगा ना ये बॉट बेस करना किस तरीके से है, तो मैं आपको पूरा करके बताऊंगा यार। अभी मेरे को ही समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, 1.5 घंटा लगा अपने को यहाँ पे, कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे जा रहे, कभी दाएं जा रहे, कभी बाएं जा रहे, बट जैसे तैसे करके गाइस हम लोगों ने कर ही दिया। तो लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, एक छोटा सा अपने को विलेज मिला। हमारा टीममेट बोला भाई यहाँ पे देख के आते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में है क्या। हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड देखने गए, बट यहाँ पे कुछ खास था नहीं अपने को, ओनली जो है ना गाइस यहाँ पे सप्लाई चेस्ट वगैरह मिली और कुछ ज़्यादा नहीं थी। बट मैंने क्या डिसाइड किया, चलो यार यहाँ पे हम लोग आए हैं तो पानी वगैरह पी के निकलते हैं। मैं गया अंदर एंड देखने लगा यहाँ पे जॉम्बीज थे, जॉम्बीज को मारा, सप्लाई चेस्ट थी, सप्लाई चेस्ट फोड़ा एंड उसके बाद अपना टीममेट बोला कि भाई आई थिंक ईजी आ गया होगा, 6 घंटा हो गया है, तो चलो फटाफट से अपन लोग बेस में चलते हैं एंड अब मुझे जो है ना ईजी मारना है। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, अपना टीममेट जो है ना हैली लेके तैयार घर जाने के लिए और मैं भी तैयार, भागता हूँ मैं फटाफट से अपने टीममेट के पीछे और बैठते हैं हैली में और निकलते हैं सीधा अपने घर। भाई मैं हैली के पास पहुँचा ना अपने टीममेट, अपना हैली उधर ले गया। मैंने कहा भाई उधर किधर, इधर इधर, तो बाद में बोला ओके ओके आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फाइटर भी आया भाई, मतलब इस सर्वर में ना ड्रॉप लूटने का मन ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा ज़्यादा दूर होता है ना, कभी कार को तो भूल ही जाओ लूटना, कार को तो भाई बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो चलो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर बॉट बेस करके एंड जब मेरे को ढंग से आ जाएगा बॉट बेस एंड एक बार ही मैं जो है ना दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अब तो मेरे को पता चल चुका है कहाँ से अपने को किधर जाना है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर हम लोग बॉट बेस लूट करेंगे ना तो एकदम रॉ वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको कि कहाँ से अपने को किधर जाना है, किधर से किधर। तो सबसे पहले यार ये जो लूट है ना मैं रखता हूँ बॉक्सेस में एंड उसके पास शॉटगन लेके चलते हैं ईजी मारने के। आई जी पी वाला बॉक्स किधर है, अपने में कहीं कुछ खास लूट है नहीं इस बारी, क्योंकि मैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 घंटे खेलते हैं सर्वर, मतलब यार अब मन नहीं करता इतना खेलने का, टाइम वेस्ट करने का, तो बस 3-3.5-4 घंटे खेलो, मजे करो और निकलो बाहर। तो उसके बाद यार हम लोग ईजी मारने पहुँचे, हम लोग ईजी मारा कि हम लोग कुछ पता नहीं चला ईजी कब मर गया, मैं ईजी चला रहा था, अपना टीममेट शॉटगन चला रहा था एंड चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए काफ़ी गजब के एपिसोड में। और अभी तक यार हम लोग ना मिलिट्री आइलैंड नहीं गए एवेंजर मारने के लिए, तो चलो ऐसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं मिलिट्री आइलैंड एंड